तो हम लोग को जैसे पता है कि भैया मतलब कि सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, तो कस्टमर से कम्युनिकेशन के लिए ना उन्होंने बहुत एक अच्छा सा चीज बनाया, तो वो क्या है देखो। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे इंसान से मिलाने वाले हैं जो कि ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए पिछले 22 साल से वो हमारे शहर में इस ठेले में अंडे बेचते आ रहे हैं। ये है हमारे सिबू साहू जी, जो कि 5 साल की उम्र में अपनी आवाज और सुनने की शक्ति खो दी थी। इनके परिवार में टोटल 5 लोग हैं, 3 बच्चे और इनकी वाइफ जो खुद ना सुन सकती है ना बोल सकती है। जिंदगी में इतने सारे चैलेंजेस और मुसीबतें आने के बाद भी सिबू जी कभी हारे नहीं, बल्कि और दुगनी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले गए। भले सिबू जी बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते, पर कभी उन्होंने ऊपर वाले को शिकायत नहीं की, बल्कि ऊपर वाले का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इन्हें इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे हैं बिना किसी के सामने हाथ फैलाए। देख अंडा तो एक नॉर्मल चीज है, बट द थिंग इज दैट कि हम लोग जहाँ पे आके खा रहे हैं ना वो प्लेस सबसे ज्यादा मैटर कर रहा है। भैया ने दिखाया भी, भैया ना बहुत अच्छा तेल यूज कर रहे हैं। तो हम लोग को जैसे पता है कि भैया मतलब कि सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते, तो कस्टमर से कम्युनिकेशन के लिए ना उन्होंने बहुत एक अच्छा सा चीज बनाया, तो वो क्या है देखो। ये मेन्यू चार्ट, तो भैया ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे अपना एक मेन्यू चार्ट रखा है और हर चीज में ना नंबरिंग कर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। जैसे कि 1 में है आपका बॉइल्ड एग, बॉइल्ड फ्राई एग, अंडा, 1 डजन अंडा भी आप खरीद के लेके जा सकते हो। उसके बाद ऑमलेट, पोच, अंडा भुर्जी, सब कुछ मतलब कि एक का ऑलमोस्ट हम लोग जो नॉर्मल खाते हैं सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखो, मैं भैया से, भैया को कैसे ऑर्डर करते हो। हमने बस इशारों में बता दिया भैया को और भैया समझ गए। और ये देखिए, कितना क्यूट लग रहा है यार। तो मतलब कि कोई भी अगर यहाँ पे आता है, मतलब यहाँ पे कम्युनिकेशन का तो कोई भी गैप तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब चिंता करने की जरूरत भी नहीं है कि वो मतलब सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, तो हम लोग कैसे बोले। तो यहाँ तो उन्होंने पूरा इंतजाम कर दिया है। यस दोस्तों, हमें समझ में नहीं आ रहा भाई क्या बोल रहे हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो गाइस, ये रहा इंडो जर्मन क्लब। इंडो जर्मन क्लब के साइड में एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, आप देख सकते हो, और प्लेग्राउंड के ठीक ऑपोजिट में ये अपने भैया यहाँ पे अपना स्टॉल डाले हुए हैं। सिबू जी से उन सारे लोगों को इंस्पायर होना चाहिए जो लोग अपनी जिंदगी में मुसीबतें आते ही सरेंडर कर देते हैं। एक सच्ची बात बताती, मुझे ना ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हम लोग के बीच बड़ा कम्युनिकेशन गैप नहीं था, मतलब उनकी बातें ना धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। वो जो भी बोल रहे थे कि जैसे भी बोल रहे थे तो ना समझ में आ रहा था यार, लग रहा था कि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हो गया। तो गाइज आपको भी यही एक्सपीरियंस होगा, एक बार यहाँ आके भैया से मिलिए। अंडा खाना ना खाना दूर की बात है, लेकिन भैया से एक बार मिल के जाइए, आपको कितनी संतुष्टि मिलेगी। यार यार हमारा दिन बन गया आज। अच्छा। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने शहर के लोग हैं प्लीज यहाँ एक बार आइए और भैया से मिल के जाइए। एड्रेस तूने बता दिया है ऑलरेडी। इंडो जर्मन क्लब के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, मैदान के ठीक ऑपोजिट में ही आपको भैया मिल जाएंगे। यार देख लोगे आप, दिखे जाएंगे भैया, ये भैया और साइड में कुल्फी वाले भैया। हाँ, दोनों कुल्फी वाले भैया एक मिलते हैं यहाँ पे, उनके ठीक बाजू में ये वाले भैया होते हैं, और शाम को आई थिंक आई गेस 6 बजे के बाद यहाँ पे 5:45 के बाद वो अवेलेबल है। 6 बजे तक आइए, यहाँ आपको भैया मिल जाएंगे। तो लेट्स सी द रेस्ट। विंटर आने वाला है,
अंडा का मजा जरूर लो। यस, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है और एक अच्छी चीज दे रहे हैं तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बोलने की जरूरत नहीं है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। घंटी जरूर दबा देना। यस ठीक है फिर गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक तो अपना ख्याल रखिए। सिबू जी ने हमें ये सिखा दिया कि अपनी कमियों को कभी कमजोरी मत बनाओ, बल्कि उसको अपनी ताकत बनाओ।